हेलो एवरीवन, ये इस ड्रामे का पार्ट 10 है। तो चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 10 की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि लाना किसी से छुपती हुई भाग रही होती है। उसके सर में चोट भी लगा हुआ होता है। वो लीफुजू के कमरे में आके छुप जाती है। तभी उसे लीफुजू दिखाई देती है। वो लीफुजू को आवाज लगाने ही वाली होती है, तभी कोई पीछे से आके उसे पकड़ लेता है। वो पूरी कोशिश करती है ताकि लीफुजू उसे सुन ले, लेकिन लीफुजू के कान में एयरफोन होने की वजह से वो कुछ भी नहीं सुन पाती और वो आदमी लानर को वहाँ से लेके चला जाता है। फिर अगले दिन लीफुजू लानर के लिए बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि उसने उसे बहुत टाइम से नहीं देखा था। तभी उधर चीफ शोई, जुओ और प्रिंसली आते हैं। लीफुजू उन्हें लानर के बारे में बता देती है। तो प्रिंसली कहता है कि आखिरी बार लानर को किसने देखा था। तो जुओ कहता है कि आखिरी बार लानर तो चीफ शोई की देखभाल कर रही थी और फिर वहाँ से चली गई। तभी चीफ शोई को याद आता है कि आखिरी बार लानर गार्डहोंग की बात कर रही थी। चीफ शोई को लगता है कि लानर आखिरी बार गार्डहोंग से मिली थी, इसीलिए वो कहता है कि हो ना हो गार्डहोंग ने ही मेरी वाइफ को नुकसान पहुंचाया होगा। लीफुजू कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, गार्डहोंग क्यों लानर को नुकसान पहुंचाएगा। तो चीफ शोई उसे कहता है कि आप उसे नहीं जानती, वो एक इंसान के कपड़े में छुपा हुआ बीस्ट है। फिर लीफुजू कहती है कि जाओ और लोगों को बोलो कि वो लानर को ढूंढे। जिसके बाद लीफुजू जाती है गार्डहोंग के पास और उससे लानर के बारे में पूछती है। तो गार्डहोंग उसे बताता है कि लानर ने मुझे रुमाल दिया था और फिर वो वहाँ से चली गई। ये सुन के लीफुजू परेशान हो जाती है और उसे परेशान देख के यूनी लॉर्डसन और गार्डहोंग को लानर को ढूंढने के लिए कह देता है। जिसके बाद लीफुजू हर जगह लानर को ढूंढने लग जाती है। वो सभी से लानर के बारे में पूछती है और उसे ऐसा करता हुआ रानी भी देख लेती है। यूनी उसे कहता है कि वो तो सिर्फ एक मेड है, तुम उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रही हो। तो लीफुजू कहती है कि तुम्हारी नजरों में वो सिर्फ एक मेड होगी, लेकिन मेरे लिए वो मेरी सिस्टर है। वो कहता है कि तुम उसकी मास्टर हो और वो तुम्हारी सर्वेंट, तुम एक दूसरे को सिस्टर कैसे बुला सकती हो। तो लीफुजू कहती है कि मैंने कभी भी उसे मेड की तरह नहीं देखा, हम दोनों बाथरूम बेस्टी है। यूनी उसे पूछता है कि इसका मतलब क्या है। तो लीफुजू उसे कहती है कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं जो एक दूसरे का हाथ पकड़ के साथ में बाथरूम जाते थे। लीफुजू के इधर पैर में दर्द होता है क्योंकि वो बहुत टाइम से लानर को ढूंढ रही थी, इसीलिए यूनी बिना लीफुजू की परमिशन के उसे वहाँ से उठा के ले जाता है। इधर हम चीफ शोई को देखते हैं जो कि अपनी फौज लेके गार्डहोंग के पास जाता है और उसे कहता है कि लानर को हमें वापस कर दो। तो गार्डहोंग कहता है कि हम भी लानर को ही ढूंढ रहे हैं। चीफ शोई को लगता है कि लानर को गार्डहोंग ने ही छुपाया है। वो यहाँ पे सोचता है कि गार्डहोंग ने लानर के साथ कुछ गलत किया होगा, इसीलिए वो उससे लड़ाई करने के लिए जाता है। तो सारे शेफ उसे रोक देते हैं, लेकिन जब वो सारे गार्ड उनकी इंसल्ट करते हैं तो वो उनसे लड़ाई करने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पे यूनी भी आ जाता है जो उन दोनों पर गुस्सा करता है और उन दोनों को पनिशमेंट देता है। तो लीफुजू कहती है कि हमें सबसे पहले लानर को ढूंढना चाहिए, लानर मिल जाएगी तब इन दोनों को पनिश करना, जिसके लिए यूनी भी मान जाता है और उन दोनों को 4 घंटे के लिए वहीं पर घुटने टेक के बैठने को बोलता है और वहाँ से चला जाता है। यूनी के वहाँ से जाने के बाद वो दोनों फिर से वहाँ पे लड़ने लग जाते हैं। फिर हम कुछ देर बाद लीफुजू को देखते हैं जो कि लानर को ढूंढने के लिए एक प्लान बनाती है। वो चीफ शोई और प्रिंस ली से गोल्ड, सिल्वर और बहुत सारे गहने इकट्ठा कर लेती है, जिसके बाद वो महल के सभी मेड सर्वेंट को एक जगह इकट्ठा करती है और कोई भी लानर के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी देता था वो उसे वो गोल्ड या फिर सिल्वर दे देती थी। और ऐसे ही उसके पास एक मेड आती है जो लानर के बारे में झूठ बताती है और लीफुजू उसका झूठ पकड़ भी लेती है। तो वो मेड वहीं पे रोने लग जाती है और कहती है कि ये मेरा पहली बार है किसी से झूठ बोलना, मेरे को इसमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो प्रिंस ली उसे ऐसा देखकर उसे एक सिल्वर दे देता है। तभी वहाँ पे यूनी आता है जो लीफुजू और प्रिंस ली को साथ में देख लेता है और वहाँ से चला जाता है। रात को वो लीफुजू की ही सुबह वाली बात को याद कर रहा होता है जहाँ लीफुजू ने कहा था कि लानर और वो बाथरूम बेस्टीज है जो एक दूसरे का हाथ पकड़ कर वॉशरूम जाते हैं, इसीलिए वो भी गार्डहोंग के साथ जाने का डिसाइड करता है। वो गार्डहोंग को अपने साथ ले जाता है।
लेकिन जैसे ही वो टॉयलेट करने वाले होते हैं, उन्हें वहाँ पे लानर मिलती है, जिसके बाद हम लीफुजू को देखते हैं, जहाँ पे लॉर्डसन आके उसे बताते हैं कि महाराज को लानर मिल गई है, लेकिन वो मरी हुई है। ये सुन के लीफुजू शॉक्ड हो जाती है। वो लानर की डेड बॉडी के पास जाती है और उधर जाके उसे रोते हुए उठाने लग जाती है, लेकिन लानर नहीं उठती। वहीं पर चीफ शोई भी आ जाता है, जो ये सब देख के काफी हैरान होता है, और ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है।